लेकिन राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव परवान पर चढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की आवाज कमजोर पड़ रही है, क्योंकि बीजेपी अपना कोई भी काम नहीं बता पाई। राजस्थान की सड़कों पर, खेत में, खलियान में, मकान में, झोपड़ी में, सब जगह एक ही आवाज है कि कांग्रेस ने काम किया। कुछ भी कहो, काम कांग्रेस ने किया। अब ये जो नारा चल गया कि कांग्रेस ने काम किया है, ये जीत की तरफ कांग्रेस को आगे बढ़ाना। मैंने हमेशा कहा, कर्म की वैल्यू होती है, काम की वैल्यू है। पार्टी बाजी से ऊपर उठकर वोटर को सबके काम को तोलना चाहिए और फिर वोट करना चाहिए, और वो शुरुआत राजस्थान से हो गई है। ये देश की डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि जब वोटर आगे निकलकर और सब पार्टियों के कैंडिडेटों के 5 साल के काम को तोल परख कर वोट करेगा, तो आप ये मानकर चलिए डेमोक्रेसी मजबूत होगी। नहीं तो बिना काम किए हुए जब जब चुनाव आता है, लोग जानते हैं बीजेपी तो इतना बड़ा पाप कर रही है कि राजस्थान में रणजी क्रिकेट टीम का एक कैप्टन रहा मुस्लिम, राजस्थान की रणजी क्रिकेट टीम, राजस्थान के सारे खिलाड़ी उन्होंने तैयार किए और यहाँ के कोच रहे, राजस्थान की टीम के पहले रणजी टीम के कैप्टन रहे, राजस्थान के कोच रहे, भारत के लिए भी कुछ मैच खेले। ऐसे एक मुस्लिम प्लेयर का कहीं बोर्ड लगा के मार्क का नाम है, आज का 3 साल पुराना मार्क का नाम, और मुस्लिम बस्ती का ही वो बोर्ड है। बीजेपी वाले इतने पापी है, कोरोना में उनकी डेथ हो गई। तो जब मैं वहां कोरोना में मैं बाहर घूम रहा था, बीजेपी वाले तो कमरों में बंद थे और मैं बाहर घूम रहा था, तो मैं बीजेपी का चरित्र बता रहा हूँ। बीजेपी के नेता वो 2.5-3 साल पुराना कोरोना का वो चला रहे हैं, वहां पे मैं खड़ा हूँ, अब्दुल सईद लेन लिखा हुआ है। तो वो भारतीय क्रिकेट टीम से जो खेला, भारत का नाम जिसने रोशन किया, जो महेंद्र सिंह धोनी और बड़े बड़े अजहरुद्दीन और बड़े बड़े खिलाड़ियों को कोच जिसने किया, ट्रेनिंग बड़े बड़े भारतीय खिलाड़ियों को जिसने दी, ऐसे कोच की डेथ हो जाए, उसके बाद बीजेपी उसका पुराना वीडियो डालकर चुनाव को काम पर और राम पर डिस्कस करने की बजाय हिंदू मुसलमान पर डिस्कस करे, और ये कहे कि ये देखो एक हिंदू बस्ती का नाम मुसलमान के नाम पर रख दिया। अरे पापियों, वो हिंदू बस्ती नहीं है, वहां तो टोटल मुस्लिम मकान है, लेकिन तुम्हें राम माफ नहीं करेंगे, धरती फट जाएगी और तुम उसमें समा जाओगे, तुम इतने गंदे हो। अभी भास्कर ने एक वीडियो की सच्चाई दिखाई और कहा कि प्रताप सिंह खाचरियावास का ये जो वीडियो 370 के एक वीडियो में बहुत अच्छा मैं बोला, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया किसने, राजस्थान प्रदेश बीजेपी की तरफ से उस पर डाला गया, प्रदेश बीजेपी के पेज पर डाला गया। वो मेरे कई वीडियो वो डाल रहे हैं तोड़ मरोड़ कर, बीजेपी हार के डर से हम जैसे लोगों के वीडियो तोड़ मरोड़ कर डाल रही है। भास्कर ने उस वीडियो का वायरल टेस्ट करके और कहा कि वीडियो फेक है। अब तोड़ मरोड़ कर झूठे वीडियो डालकर बीजेपी चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी को वसुंधरा जी की सरकार के समय यदि कोई अच्छा काम किया था तो बता दो। और 9 वर्ष में आपने केंद्र में बीजेपी की सरकार ने कोई अच्छा काम किया है कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी के लिए, तो वो बता दो। लेकिन आपने केंद्र सरकार ने कोई काम ही नहीं किया। केंद्र सरकार ने तो नोटबंदी की थी, लोग लाइनों में खड़े खड़े मर गए, 2000 का नोट भी अब बंद हो गया, आपने नोट तो बंद कर दिए लेकिन लोगों की सांसें रोक दी, जो लोग मर गए उनको मुआवजा तक आपने नहीं दिया। कोरोना में भी राजस्थान ऐसा स्टेट है जहां सबसे ज्यादा मुआवजा मिला, और मरने वाले बच्चों के लिए जो मर गए कोरोना में, उनके बच्चों की शिक्षा फ्री, हर महीने उनको पैसा, और 20 साल का होने पर उनको बड़ा पैसा देने का फैसला, सबसे ज्यादा पैसा हमने तय किया। और यहाँ पर कोरोना वॉरियर जो काम करते हुए मर गए उनको 50 लाख रुपए हमने दिए। राजस्थान के राशन डीलर है लगभग 100 के नजदीक, जिनको 50 लाख रुपए दे दिए। ये तो सिर्फ राशन डीलर है, प्रति राशन डीलर 100 50 लाख रुपए दिए। ऐसे कितने ही लोग हैं जिनको 50 50 लाख रुपए ड्यूटी पर डेथ के दौरान मिले, ये आप मानकर चलिए। ये बीजेपी की जो सोच है, वो बीजेपी कार्यालय में बैठकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सोशल मीडिया पर वीडियोज को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। वो कोई मेरा वीडियो हो, राहुल गांधी का हो, अशोक गहलोत जी का हो, उन वीडियोज को, पुराने वीडियोज को चलाते हैं।
और अभी जो वीडियो उन्होंने चलाए मेरे, उनमें फंस यहाँ गए कि कुछ लोगों ने, अखबार के लोगों ने और टीवी वालों ने वायरल टेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि प्रताप सिंह की आजकल चोटी है। तो ये कहाँ का वीडियो उठा के लाए हो भाई, पुराना वीडियो तोड़ मरोड़ कर आपने पेश कर दिया। तो बीजेपी चुनाव हार रही है और हार के डर से बीजेपी अब राजस्थान का माहौल बिगाड़ने में लग गई। बीजेपी इस पूरे चुनाव को, भगवान राम ये कहते हैं, राम राज्य के आधार पर वोट मांगना चाहिए। जहां काम है, सच्चाई है और जनकल्याण है, वहां राम राज है। बीजेपी को राम राज्य से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी को तो इतने पापी हैं बीजेपी के लोग, अब इस चुनाव को सिर्फ हिंदू मुसलमान पर ले जाना चाहते हैं। आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस का जो हिंदू कैंडिडेट लड़ रहा है वो अपना पूजा पाठ मंदिर में करता है, मुस्लिम लोग मस्जिद में जाते हैं, सिख गुरुद्वारे में जाते हैं, ईसाई चर्च में जाते हैं। चुनाव से पहले तो बीजेपी इस तरह के गंदे वीडियो नहीं डाल रही थी, अब चुनाव के वक्त ये वीडियो डाल रही है। और बीजेपी को वापस कर्नाटक में जैसे बजरंगबली ने निपटाया था, वैसे हनुमान जी महाराज यहाँ निपटा देंगे। अब बीजेपी खुद तो भीड़ जुटा नहीं पा रही, जगह जगह कोशिश करती है हनुमान चालीसा के पाठ करने की, और इनके नकली नेता वहां जाकर भाषण देते हैं। कश्मीर से चालू होते हैं, लोगों को यही पता नहीं है धारा 370 क्या है। मैं बता देता हूं, धारा 370 ये है कि राजा हरि सिंह जो उस वक्त थे जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो कश्मीर की तरफ पाकिस्तान की सेनाएं आगे बढ़ रही थी और राजा हरि सिंह की फौजें पीछे हट रही थी क्योंकि कबायली भारी पड़ रहे थे। तो उस वक्त के जो उनके मंत्री थे राजा हरि सिंह के, उन्होंने कहा कि आप पंडित नेहरू से बात करो। राजा हरि सिंह अड़े हुए थे अंग्रेजों के साथ, ये कह रहे थे कि कश्मीर जैसे भारत और पाकिस्तान है, वैसे एक तीसरा देश कश्मीर बनेगा, ना तो मैं भारत में शामिल होऊंगा ना पाकिस्तान में। और राजा हरि सिंह नरेना से उठकर गए थे, राजपूत राजा थे, उनके बेटे डॉक्टर करण सिंह आज भी हैं, उनके महल भी है, वो शिव भक्त हैं सारे के सारे। तो जब सेनाएं पाकिस्तान की आगे बढ़ी तो अपने मंत्री के कहने से उन्होंने पंडित नेहरू से बात की, तो पंडित नेहरू ने, उन्होंने कहा मैं फौजें तो भेजूंगा लेकिन आपको कश्मीर को हिंदुस्तान में लाना पड़ेगा और आप हिंदुस्तान की सत्ता मानो, तिरंगा लगाओ, तो मैं आपके कश्मीर की मदद कर सकता हूं। तो राजा हरि सिंह को मंत्री ने समझाया, तो राजा हरि सिंह ने कहा झंडा मेरा भी रहेगा और तिरंगा भी रहेगा। तो राजा हरि सिंह का झंडा केसरिया था, तो केसरिया और तिरंगा दोनों लगते थे वहां सेक्रेटरिएट वगैरह पर। तो फिर ये हुआ कि अब सिर्फ तिरंगा लगेगा, तो राजा का झंडा हट गया जो केसरिया झंडा था, जिसकी बीजेपी दुहाई देती है। और 370 का मतलब ये था, राजा हरि सिंह ने कहा कि डोगरे राजपूत, उधर के वहां के कश्मीर के राजपूत, कश्मीरी पंडित और मुस्लिम जो वहां लोकल है, उनकी जमीनें एक दूसरे को वो बेच सकते हैं लोकल आदमी, लेकिन बाहर से आके कोई यहाँ पर नहीं बसेगा, क्योंकि वो चाहते थे कश्मीर की स्वायत्तता कायम रहे, उसमें तो हमारा कोई रोल नहीं। पंडित नेहरू ने समझदारी की और कश्मीर को अपने में शामिल कर लिया, और उस वक्त कहा कि धारा 370 घिसते घिसते खत्म हो जाएगी क्योंकि वापस हम एक हो जाएंगे। कश्मीर उनको लेना था, उन्होंने ले लिया। अब बीजेपी ने धारा 370 में हटाकर यह प्रावधान कर दिया कि जयपुर का व्यक्ति कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। तो भाई साहब, जमीन फ्री में दे रहे हो तब तो कोई सोचे भी, आप पैसे दे दो ले लेंगे लोग। जयपुर वाले के पास जयपुर में जमीन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने नोटबंदी करके टैक्स लगाकर लोग तो भूख से, गरीबी से, बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, तो यहाँ के लोग वहां जमीन कैसे लेंगे? यही तो धारा 28 है, बाकी क्या जमीनें दे दी क्या? क्या आप खरीद लो, गवर्नमेंट दे रही हो तब तो बात करो, राजस्थान के लोगों को भेजे वहां, मैं भेज दूं कितने लोगों को हमारे। तो ये कोई बात हुई? बीजेपी जो झूठ का प्रचार है, झूठ के जनरेटर के रूप में काम कर रही है, अब झूठ फरेब और धोखा चलेगा नहीं। आप सोशल मीडिया पे कुछ डालोगे उसका जवाब तैयार है। अभी बीजेपी कांग्रेस कार्यालय में सर्वधर्म प्रार्थना सभा होती है, तो उसमें रघुपति राघव, राजा राम, पति तपावन, सीताराम, सर्वधर्म प्रार्थना सभा थी इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस पर और सरदार पटेल की जयंती पर। उसका सोशल मीडिया पे प्रचार किया कि देखो देखो कांग्रेस कार्यालय में नमाज पढ़ रहे हैं। अरे बीजेपी वालों शर्म करो, मुझे लग रहा है कि ये वोटर बीजेपी वालों की गर्दन झुका देगा, तुम मत पढ़ लेना कुछ। ये पापी हैं बीजेपी वाले, झूठी खबरें डालना, बड़ी बड़ी बातें करना, ये जो पाप वो कर रहे हैं कांग्रेस में,
जो हिंदू है वो मंदिर में पूजा करता है, जो मुसलमान है वो मस्जिद में पूजा करता है, जो सिख है वो गुरुद्वारे में जाता है, और जो ईसाई है वो चर्च में जाता है, जैनी जैन टेम्पल में जाते हैं। तो ये अलग अलग सब अपना अपना धर्म मानते हैं। बीजेपी वाले पापियों, तुम्हारे पास कोई काम है तो वो बताओ। काम के आधार पर जब बात होगी तो कांग्रेस बहुत आगे है, बीजेपी के कोई भी 5 काम ये नहीं बता पाए, 1 काम नहीं बता पाए। हमने बड़ी गारंटी दी है, कांग्रेस पार्टी जीत गई तो महिलाओं को पेंशन तो मिल ही रही है, 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन मिलती है, तो 10,000 रुपए साल की गारंटी दी है कि 10,000 रुपए एक महिला को मिलेंगे। पेंशन के साथ जब 10,000 रुपए एक महिला को मिलेंगे तो 22-23 हजार रुपए, 24 हजार रुपए, 25 हजार रुपए एक महिला को राजस्थान की को मिलने लगेंगे। ये महंगाई से लड़ने की गारंटी की शुरुआत है। हर तरह की गारंटी यहाँ पर है। यही कांग्रेस है जो खुद के काम के आधार पर, सच्चाई के आधार पर चुनाव लड़ रही है। और बीजेपी कुछ भी कर ले, बीजेपी ने जितना तोल परख के टिकट दिए उसके बाद बीजेपी में हड़कंप ज्यादा है। हमारे यहाँ पर जितना हड़कंप नहीं है उससे ज्यादा बीजेपी में मचा हुआ है। वो बीजेपी सिद्धांत की बात करती थी, मैं इतना कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी बहुत आगे चल रही है। ये जो जिस तरह के सर्वे कुछ लोग दिखाते हैं वो पूरी जनता के समझ में आ रही है। सर्वे के जरिए माहौल बनाने की वो कोशिश करते हैं, लेकिन अधिकतर सर्वे जो बिल्कुल फेयर सर्वे है और जो भी मार्केट में चल रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी को राजस्थान के हर मार्केट कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी तादाद में आगे दिखा रहे हैं और बीजेपी बहुत पीछे है। इसलिए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस का काम और कांग्रेस की जनकल्याण और विकास की योजनाएं लोगों में चर्चा है। यदि विकास को लाना है तो कांग्रेस को जिताना है। मैं लोगों से अपील करूंगा, कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठो, काम के आधार पर वोट करें। हमने काम किया है, हमारे साथ आओ, हमारे हाथ को मजबूत करो। हमारे हाथ को मजबूत करोगे, कांग्रेस पार्टी को जिताओगे, हाथ का बटन दबाओगे तो जनता को मजबूती मिलेगी, बीजेपी झुकेगी, पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। राजस्थान यदि बीजेपी हारेगी तो देश में महंगाई कम होगी, क्योंकि बीजेपी को सबक मिलेगा। 12 महीने बाद 11 महीने बाद चुनाव है लोकसभा की। बीजेपी अभी, आपको पता है, क्रूड ऑयल के दाम $89 प्रति बैरल हो गए, कम हो गए, $89 प्रति बैरल, लेकिन वो पेट्रोल डीजल के काम केंद्र की बीजेपी की सरकार कम नहीं कर रही, जबकि मनमोहन सिंह जी के टाइम तो $138 प्रति बैरल थे। तो इस वक्त ये पेट्रोल डीजल 50 रुपए के नीचे बेच सकते हैं, 40 रुपए लीटर बेच सकते हैं, लेकिन ये टैक्स कम नहीं कर रहे। जब राजस्थान हार जाएंगे तो बीजेपी के लोगों को सिलेंडर पेट्रोल डीजल के दाम घटाने पड़ेंगे, क्योंकि इनको सबक मिलेगा। बीजेपी का घमंड तोड़ने के लिए जरूरी है राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जीते, और हमें भरोसा है पूरा कि जनता निश्चित रूप से भगवान राम के रास्ते पर चलकर, कर्म के आधार पर, भगवान कृष्ण के रास्ते पर चलकर, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है अर्जुन, जिनका अच्छा कर्म हो, जिनके कर्म से किसी को फायदा होता हो, जो किसी के आंसू पोंछते हो, ऐसा काम करने वाले राजा की हमेशा मदद करनी चाहिए। ऐसे राज्य में जो लोग अच्छा काम करते हैं उनके साथ मैं होता हूं, तो मुझे पक्का विश्वास है सब लोग कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे और कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ राजस्थान में सत्ता में काबिज हो चुकी है। सच कह रहा हूं, उनको जो नोटिस मिले हैं मेरी जानकारी में नहीं है, ये मामला एजेंसी की नोटिस का है। मैं इतना कह सकता हूं, वो पहले कह चुके हैं खुद डोटासरा जी कि वो डरने वाले नहीं है, घबराने वाले नहीं है, हमारे अध्यक्ष में दम है। अध्यक्ष ने खुल के कह दिया, अब उनसे क्या सुनना चाहते हो, हमारा प्रदेश अध्यक्ष दमदार है तो वो इस तरह की किसी कार्रवाई से डरते नहीं है। कांग्रेस नेताओं में एकता नहीं है क्या? अगर एक व्यक्ति तो हो रहा है, जिस हिसाब से आप भी बता रहे हैं और लोग भी बता रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, तो जान लेशों के धरनों तो दे दियो अभी दिन। उस दिन वहाँ मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी तो आए नहीं थे, मैं ही था वहाँ। अब जान बाकी ले लो, आओ ले लो प्रताप सिंह खाचरियावास की, वो भी दे देंगे, हम तो तैयार बैठे हैं, हम तो छत्री हैं पार्टी के लिए, चाहेंगे वो बाकी निकाल लो, इतना सा है, लो बाहर निकाल दे। मेरे ऊपर जिस दिन ईडी की कार्रवाई हुई थी ना, उस दिन किसी की आवाज की मैंने इंतजारी नहीं की, रो आई भी नहीं थी, लेकिन जब मेरी पार्टी के किसी नेता पर होती मैं धरने पर था वहां, समझिए ना आप।
धरने पर खुद था, देखा था आपने मुझे, धरना देने गया था, वहां प्रदर्शन में शामिल हुआ हूँ। अब तो चाहो कि आगे जाओ आचार संहिता लागेड़ी है, मैं कैंडिडेट हूँ तो मारो, आप वो नामांकन भी रद्द करा लूं, वही बाकी रह गयो वो करा लूं, बताओ यार हद है, मतलब एक आदमी मिल गया तो गर्दन काट लियो, कमाल है यार, हद है। मेरे ही पीछे पड़े रहोगे क्या? सारे मेरे दोस्तों मदद करो, देवताओं मेरे पीछे कम पड़ो।